विधायक जी, आज आप चिकराप्टी गांव गए। आप चिकराप्टी गांव किस लिए गए थे और वहां क्या लोगों ने आपको कितनी देर बैठाए रखा, उनकी क्या मांगे थी? वो उनकी मांगे ये थी कि जो यहाँ में हम खेतों में काम कर रहे बहुत से शोर सुन के वो भी पहुंच गए, कुछ रास्ता चल रहे वो भी रुक गए, तो यहाँ में तमाशगीर भी है, जो निर्दोष हैं वो जेल नहीं जाएं, और हम भी अपने ओर से कह रहे हैं कि निर्दोष को जेल नहीं जाने देंगे, वो चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं होगी, हम वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा, कितनी देर आप गांव में बैठाए रखे? गांव में मेरे को करीबन उन्होंने तीन घंटा बैठा, 5 बजे छोड़ा, मैं 2 बजे उनके पास में मुझे लिवा के तो क्या प्रशासन को इसकी सूचना दी गई कि आपको 3 घंटे वहां बैठाए रखा लोगों ने? प्रशासन को कोई सूचना नहीं, वो तो गांव के लोग थे, उनके सामने बैठे, उन्होंने अपनी बात रखी है, उस बात को मैं माननीय मुख्यमंत्री से रखूंगा जो उनकी मांग है। क्या बताइए, जो पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है प्रशांत नट को, आप क्या मान रहे हैं कि प्रशांत नट ने ही हत्या की है? देखिए, हमारी 3 एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं, SIT की भी रिपोर्ट आएगी और एक हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने यहाँ एक अलग से टीम गठित करके भेजी है, जब वो उसकी रिपोर्ट आ जाएंगी तो दूध की दूध पानी की पानी हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल है, उसके बाद ही हम एक सवाल आज भी बना हुआ है कि FIR में आरोपी नंबर 1 योगेश राज और शिखर अग्रवाल, वो दोनों ही आज विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उन्हें मुख्यमंत्री और आपका संरक्षण है, और पुलिस भी मान रही है कि वो जो हिंसा भड़काने का वो मुख्य आरोपी है, तो आप मानते हैं कि वो हिंसा भड़काने के मुख्य? देखिए, ये जो है पुलिस वाले, पुलिस की जो आ रही है। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।